हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंशीस कॉर्नर। सो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग आए हुए हैं रामनगर और आज है डे टू और हम लोग जा रहे हैं आज जिम कॉर्बेट और साथ ही साथ यहाँ पे है एक फॉरेस्ट का क्या बोलते हैं म्यूजियम। तो वो दोनों ही चीज़ें मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली हैं और बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो फिलहाल हम अपने होटल से निकल चुके हैं जंगल सफारी के लिए, यानी कि जिम कॉर्बेट के लिए। वैसे हम लोग कहीं और जाने वाले थे डिकाला, बट वहाँ की हमें बुकिंग नहीं मिली, तो हम लोग जा रहे हैं झरना। तो यहाँ से हमारी जो ट्रिप है आज की सेकेंड डे की, वो स्टार्ट हो चुकी है। सब लोग अच्छे से तैयार होके अपनी जंगल सफारी के लिए रेडी हो चुके हैं। तो वैसे तो जीप आप लोगों को रामनगर आके आपके रिजॉर्ट से पिक एंड ड्रॉप करती है, बट हमें ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया था, कुछ प्रॉब्लम्स रही होगी। तो गार्ड के बताए हुए जगह पे, ड्राइवर के बताई हुई जगह पे हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। वहाँ से हम लोगों ने अपनी जो भी हमारी ये जीप होती है इसको लिया और उसके बाद हम लोग निकल गए। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ भाई, जिन्होंने भी इन्हें पहचान लिया हो वो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जिन्होंने नहीं पहचाना मैं उन्हें बता देती हूँ। ये हैं युवराज भैया, ये काफ़ी अच्छे गाइड हैं और इनका यूट्यूब पे भी अपना एक चैनल है, तो काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। तो हम जैसे ही गेट पे पहुंचे थे बाई चांस ये हमें मिल गए थे, तो हम मिलना हो गया था बट हमें इनकी बुकिंग नहीं मिल पाई थी। तो फिलहाल हमने अपने जो भी हमें बुकिंग मिली थी वहां से हमने किया था। तो यहां से गाइज स्टार्ट होता है जंगल जिम कॉर्बेट। काफी सारे गेट हैं, काफी सारे लोगों को पता भी होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ जितनी मुझे नॉलेज है। काफी सारे गेट हैं जंगल सफारी जाने के लिए, जिम कॉर्बेट जाने के लिए। तो हमारी जो स्लॉट बुक थी वो थी झरना की। तो झरना आई थिंक 17-25 किलोमीटर की राइड है। पीछे बैठे हुए थे हमारे ये गाइड जो हमें बता रहे थे जंगल के बारे में। वैसे बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, जिनके भी मतलब जो लोग भी सोचते हैं कि बच्चा हमारा छोटा है हम जंगल कैसे जाएंगे क्या करेंगे, तो उन लोगों के लिए मैं ये बोलती हूँ कि बहुत मज़ा आएगा आपके बच्चों को। कोई गर्मी नहीं थी, हम लोग इस टाइम पे गए हैं मई में गए हैं और मई में भी धूप भी थी, लेकिन जंगल में नहीं पता चलता है यार, इतनी नेचुरल चीज़ें हैं, पेड़ पौधे हैं, उन्हीं की इतनी अच्छी हवा लगती है, फिर जीप हमारी खुली हुई है। डर बहुत ज़्यादा लगता है कि कोई ऐसा एनिमल ना मिल जाए। बहुत ज़्यादा एनिमल्स हमें नहीं मिले थे, मैं आपको पहले ये चीज़ क्लियर कर दूँ। कोई भी अगर ये सोच के जा रहा है कि वहाँ जाके हमें बहुत कुछ घूमने को मिलेगा, तो ऐसा वहाँ नहीं है। आप घूमो जंगल में आपको जो नेचुरल चीज़ें हैं वो मिलती हैं। हमें कुछ एनिमल्स मिले थे बट जो मेन चीज़ था टाइगर मिल जाए, हमें ये ऐसा कोई एनिमल मिल जाए, तो वो फ़िलहाल हमें नहीं मिला था। और ये जो एरिया था ये था यहाँ पे, मतलब जैसे इतनी लंबी राइड है 17 किलोमीटर की 25 किलोमीटर की, तो यहाँ पे रुक के लोग नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, चाय पानी जो पीना हो, टॉयलेट जाना हो जा सकते हैं। अदरवाइज़ आपको जंगल में कहीं पे भी अपनी जीप से उतरने की परमिशन नहीं होती है। जीप में बैठे बैठे ही आप सारे एनिमल्स को देखिएगा, फॉरेस्ट को देखिएगा, काफ़ी सारी जीप ये लोग एक साथ ही छोड़ते हैं, अकेले अकेले नहीं छोड़ते हैं। और हमें बहुत सारे एनिमल्स मिले थे, डियर मिला था, मंकी मिला था, हमें मोर मिले थे, लंगूर मिले थे, बहुत सी चीज़ें मिली हैं जो अच्छी लगी है। वैसे हम लोग जू में जाकर देख लेते हैं, बट वो चीज़ नहीं है जो जंगल में जाकर देखने को मिलती है। तो मैं ज़रूर आप लोगों को बोलूँगी, अगर कोई जाना चाहता है और इस वजह से रुक जाता है कि गर्मी होगी या बच्चा छोटा है या फॉरेस्ट में कैसे एंजॉय करेगा क्या करेगा, आप लोग आराम से जाओ, इस चक्कर में हमने काफ़ी साल अपने बर्बाद कर दिए, तो ज़रूर जाना। और आप देख पा रहे होगे, मतलब बहुत ज़्यादा वीडियो में वो चीज़ें नहीं दिखाई जा सकती जो हम सामने से देखकर आते हैं, एनिमल्स का सामने से गुजरना, डियर का सामने से गुजरना, छोटे से बच्चे हिरन के, बहुत अच्छा लगता है, अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जिन लोगों ने भी मेरे को शुरू से फॉलो किया होगा, जिन्होंने भी मेरे चैनल्स को और मेरे लास्ट की व्लॉग्स देखे होंगे, तो हम लोग ऑलमोस्ट हिल स्टेशन वगैरह ही जाते हैं, ऐसी जगहों पे हम बहुत कम जाते हैं। तो ये एक्सपीरियंस मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा रहा गर्मियों में, तो मुझे फ़िलहाल बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो आप लोग ज़रूर जाइएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखने वाली हैं। ये हमें जंगली एलिफेंट्स मिले थे, ये लंगूर थे, अगर हमारे सिटी में आ जाएं तो हड़कंप मच जाता है, वो लोग वहाँ पे बहुत शांति से बैठे हुए थे। तो वीडियो को लास्ट में आप लोगों को ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाली हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, वो था यहाँ का एक म्यूज़ियम, जिन्होंने एक म्यूज़ियम में पूरा जंगल को दिखाया है कि कैसे कैसे लाइफ है जंगल की, एनिमल्स कैसे है, रात का व्यू कैसा होता है जंगल में, दिन का व्यू कैसा होता है। तो आप वीडियो के लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे मेरे व्लॉग्स आने वाले हैं।
नेशनल बर्ड, सामने से देखने में ही इतना खूबसूरत लग रहा था ना। वैसे बहुत बार देखा है, जू में भी देखा है और वैसे भी देखा है, बट पता नहीं यहाँ आप खुद देखोगे इनका कलर ना कुछ अलग है। क्योंकि कह सकते हैं ना, जो अपने घर में होते हैं तो घर में रहने की वजह से हमारे ऊपर एक अलग सी चीज़ आती है। तो जंगल उनका घर है यार, तो घर में तो उन्हें ख्याल अच्छा ही लगेगा और वो देखने में भी अच्छे लगेंगे। बहुत ज़्यादा डर था जंगल में, जिस तरीके का माहौल था वो देख के। रात में तो अगर सच में कोई रह जाए ना, तो उसकी तो हवा ख़राब होने वाली है। फिलहाल हमें बहुत मज़ा आया था, आप इसको एंजॉय कीजिए। यहाँ पे एक दिन में दो चीज़ें कवर की थी, एक तो जंगल सफारी जिम कॉर्बेट और साथ में हमने कवर किया था म्यूज़ियम। तो यहाँ से जंगल सफारी अपना एंजॉय करने के बाद हम लोग होटल वापस गए थे, वहाँ पे अपना लंच वगैरह किया था, उसके बाद हम लोग गए थे म्यूज़ियम। तो म्यूज़ियम में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें थी, तो वो भी आप आगे देखिएगा। और यहाँ पर हमें हिरण का काफ़ी बड़ा झुंड देखने को मिला था, काफ़ी सारे हिरण एक साथ थे, बहुत ज़्यादा अमेजिंग व्यूज़ थे फॉरेस्ट के। होटल में आके हम लोगों ने की थी पेट पूजा, क्योंकि पूरा दिन हम काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे। तो अब हम निकलेंगे म्यूज़ियम के लिए। तो म्यूज़ियम का ये है मेन गेट, और इस गेट से ही डिकाला जिन लोगों की बुकिंग होती है या डिकाला पास जो लोग जाते हैं वो इसी गेट से जाते हैं, और यहीं पे एंट्री करते ही यहाँ पे है ये म्यूज़ियम, जो बहुत इंटरेस्टिंग बनाया गया है। बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं, काफ़ी नॉलेज बच्चों को मिलने वाली है। तो यहाँ का टिकट लगता है, ज़्यादा महंगा टिकट नहीं है, आई थिंक 100 रुपीज़ के आसपास का टिकट होगा। तो यहाँ पे जो एनिमल्स रखे गए हैं, उन लोगों का कहना है ये रियल एनिमल्स हैं, ये जो लोग मर गए थे एनिमल्स उनको केमिकल वगैरह लगा के उन्होंने यहाँ पे म्यूज़ियम में रखा है, ताकि उनकी बॉडी वगैरह ख़राब ना हो। भगदड़ में मारे गए थे एनिमल्स या फिर जो कुछ चीज़ें रही हो प्रकृति की,
उसके अकॉर्डिंग मारे गए थे, तो उन सबको यहाँ पे रखा गया है। बहुत अच्छा दिखाया है, जंगल का व्यू दिखाया है कि किस तरीके से शिकार किया जाता है, एनिमल्स किस तरीके से जंगल में एक्टिविटीज़ करते हैं। बच्चों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, तो जिनके भी छोटे बच्चे हैं वो लोग भी यहाँ पर ज़रूर जाइएगा बच्चों को नॉलेज देने के लिए, वरना आप लोग भी ज़रूर जाइएगा, देखने में बहुत अच्छा है। ये इतना बड़ा टाइगर अगर हकीकत में जंगल में सामने आ गया होता ना जिम कॉर्बेट में, तो हालत ख़राब हो जाती। ये उनका कंकाल है, जो भी चीज़ें हैं नेचुरल है, मतलब जो मुझे लगा या जो मैंने वहाँ गाइड ने बताया उन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग यहाँ पे सब चीज़ें ये नॉर्मल नेचुरल हैं और बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ऐसे ऐसे एनिमल्स हैं जो आपने नहीं देखे होंगे, नहीं सुने होंगे। मेरी बेटी ने फिलहाल बहुत ज़्यादा यहाँ इंजॉय किया था। अंदर इन्होंने थिएटर भी दिया है जिसमें उन्होंने जंगल के बारे में पूरा दिखाया है, पूरी वीडियो पिक्चर दिखाई है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। जंगल की थीम दिखाई गई है, तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। मतलब मेरा एक सोच थी कि रामनगर जाना यानी खाली रिजॉर्ट जाना या फिर जिम कॉर्बेट जाना तो जंगल घूम के वापस आना, बट ऐसा नहीं है। वहाँ घूमने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए मैं एक सेपरेट ब्लॉग बनाऊंगी कि अगर हम रामनगर जाते हैं तो वहाँ पे हम क्या क्या चीज़ें इंजॉय कर सकते हैं। ये छोटे छोटे से बच्चे थे उनके जो पैदा होने से पहले ही मर गए या मरे हुए ही पैदा हुए थे, वो सब इन्होंने लगा रखा है। ये 5 महीने का हिरन का बच्चा था जो उन लोगों ने इस तरीके से रखा हुआ था, किंग कोबरा था, क्या था, बहुत सारी चीज़ें थी। आप लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज वहाँ मिलेगी, तो आई थिंक ज़रूर जाना चाहिए क्योंकि हमें अपने बच्चों को सब तरीके की नॉलेज देनी चाहिए कहाँ पे कैसे क्या है। और ये यहाँ पे एक ये 3D फ्लोर बनाया था जिस पे जंप करेंगे, फिश होती हैं, पानी हिलता है, तो बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया। मेरी लड़की ने बहुत इन्जॉय किया था और बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। गर्मी में भी आप उसे बच्चों को इन्जॉय करवा सकते हो, तो ज़रूर जाइएगा। बहुत सारी बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। जो लोग थोड़ा बहुत भी जंगल के बारे में इंटरेस्ट रखते हैं उन्हें यहाँ पे जाने के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है, तो ज़रूर जाइएगा। और ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, एक थिएटर उन्होंने बनाया था जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। उसके साथ साथ उन्होंने यहाँ पे इस तरीके का भी एक अरेंजमेंट किया हुआ था 3D में, जो बच्चों को लग रहा था कि एनिमल्स हमारे पास आ रहे हैं, हम छू सकते हैं उन्हें, वो इस तरीके से स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें छोटे बड़े बच्चों सबको यार इन्जॉय करने में मज़ा आता है, सब चीज़ें देखने में अच्छा लगता है। मैंने भी काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया, मेरी बेटी ने भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया है। तो अगर आप लोग रामनगर जाएँ तो यहाँ पर ज़रूर जाएँ, म्यूज़ियम में ज़रूर जाएँ। म्यूज़ियम कैसे जाना है वो सब मैंने आपको बता दिया है, वरना मैं आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाने वाली हूँ जिसमें आपको रामनगर और रामनगर के आसपास कहाँ कहाँ घूम सकते हैं उसके बारे में भी ज़रूर बताने वाली हूँ। और साथ ही साथ में उन्होंने वहाँ पे थीम्स दिखाई थी, जैसे कि ये एक विलेज की थीम थी, एक गाँव की थीम थी कि जंगल के आसपास जो गाँव होते हैं वो किस तरीके से सर्वाइव करते हैं, किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से फेसिंग की जाती है करंट की कि एनिमल्स नहीं आ पाएँ, उन पर हमला नहीं कर पाएँ। ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी। और साथ में साथ ना ये एक बहुत अच्छा सा एक चीज़ थी जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, बिल्कुल अंधेरे में जब कुछ कुछ जगह से लाइट जल रही थी और उसके बाद उनकी साउंड थी, जो आपको पूरी वीडियो में आगे देखने को मिलेगी। आप आगे ज़रूर देखिएगा लास्ट तक, काफ़ी सारे एनिमल्स हैं जिनकी साउंड भी उन्होंने दिखाई है, साथ में एनिमल्स को भी दिखाया है जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो बैठी है, देखा अंदर, देखा बैठा हुआ, बाप रे इतना बड़ा स्नेक, बाप रे देख नकली, ये सब नकली है बेटा, क्या है स्नेक, आवाज देखो पूरा उधर इधर इधर वो देखो ना, आओ हीरा खाओ, हीरा देख वो देखते बर्ड इधर इधर डियर, सचिन की घड़ी है वो देखो उधर, वो भी है एक डियर, म्यूज़ियम में इंजॉय करने के बाद हम वापस आ रहे थे अपने होटल, तो रास्ते में कैमल एलिफेंट वगैरह मिले थे, तो कैमल की राइड हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मन था इस बार एलिफेंट की राइड करने का मेरी बेटी का, तो हम लोगों ने एलिफेंट की भी राइड की जो बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था बट अच्छा भी लगा
कि हाँ चलो ठीक है कुछ ये अलग सी चीज़ ली है साथ में। उसके बाद राइड करने के बाद उनका आशीर्वाद दिलवाया था उन्होंने कि एक बार करना चाहिए, तो ठीक है अच्छा है, ये उन लोगों की कमाई का एक ज़रिया है और जानवरों के साथ इस तरीके से करना यार थोड़ा सा लगता है। तो वीडियो पसंद आई है सब्सक्राइब करिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।